नमस्कार। आईपीएल का 22वां मैच है किंग्स इलेवन पंजाब और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच और सब पूछ रहे हैं कि पंजाब वालों क्रिस गेल को कब लाओगे। उधर हैदराबाद की हालत पतली है, 5 मैचों में 2 जीते 3 हारे और इन दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ में पहुंचना एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। कैसे अभी बताऊंगा। आप देख रहे हैं अड्डा 52 प्रेजेंट्स द क्रिकेट शो इन एसोसिएशन विद डेली मोशन ओनली ऑन गो न्यूज इंडिया। आईपीएल के 22वें मैच में भिड़ंत है किंग्स इलेवन पंजाब और हैदराबाद के बीच। पंजाब ने अब तक 5 मैच खेले हैं जिसमें से 4 में उनकी हार हुई है। कोच जाफर का कहना है कि अब क्रिस गेल को प्लेइंग 11 में लाया जाएगा। बात भी सही है, अब नहीं तो कब, देर आयद दुरुस्त आयद, क्योंकि पॉइंट्स टैली में पंजाब सबसे नीचे है और बचे हुए 9 मैचों में 7 जीतना होगा अगर उन्हें प्लेऑफ में जगह बनानी है। आईपीएल में पंजाब की बदकिस्मती भी रही है, दिल्ली से सुपर ओवर में हारे, राजस्थान से काफी नजदीकी मुकाबले में हारे। प्लेऑफ में पहुंचने का दबाव भी अब सभी टीमों पर आने वाला है। हैदराबाद का टीम कॉम्बिनेशन अब सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के साथ हाजिर हैं साहिर। शुक्रिया दारिन भाई। एक नजर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 14 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम किंग्स इलेवन पंजाब पर बहुत भारी पड़ी है। हैदराबाद ने 10 और पंजाब ने सिर्फ 4 मैच जीते हैं। बात अगर आखिरी 5 मैचेस की जाए जो इन दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं तो हैदराबाद ने 3 और पंजाब ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं। एक नज़र कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पर जो इस मैच में बन सकते हैं। मनीष पांडे को अगर आईपीएल में अपने 3000 रन पूरे करने हैं तो उन्हें सिर्फ आज 10 रन बनाने की दरकार है। एक और रिकॉर्ड भी बन सकता है, हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर अगर 54 रन और बनाते हैं तो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 3500 रन पूरे कर लेंगे। किंग्स इलेवन पंजाब के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल में अपने 50 विकेट पूरे करने से सिर्फ 2 विकेट की दूरी पर हैं। एक और रिकॉर्ड जो किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान बना सकते हैं, इस सीजन में रनों के मामले में केएल राहुल सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। आईपीएल में उन्हें 100 छक्के पूरे करने के लिए सिर्फ 9 छक्कों की दरकार है। देखना होगा क्या वो इस मैच में ऐसा कर पाते हैं। साहिर, पंजाब की तरफ से क्रिस गेल के आने की संभावना है। बाकी दोनों टीमों में जो प्लेइंग 11 है वो किस तरह की होगी, किन 11-11 खिलाड़ियों को मैदान में ये दोनों टीमें उतार सकती हैं? जी बिल्कुल, एक नज़र प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 पर। किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की जगह शायद क्रिस गेल को मौका मिले, क्रिस जॉर्डन की जगह मुजीबुर रहमान को और शेल्डन कॉटरेल की जगह हार्ट विल्डोन को मौका मिल सकता है। तो एक नज़र देखते हैं क्या होगी पंजाब की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। केएल राहुल, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह, निकोलस पूरन, सरफराज खान, हरप्रीत बारूड, मुजीबुर रहमान, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, शेल्डन कॉटरॉल या फिर हार्ट्स विल्डोन। हैदराबाद के प्लेइंग 11 में भी एक बदलाव की संभावना है। पिछले 2 मैच में महंगे साबित हुए सिद्धार्थ कौल की जगह खलील अहमद की वापसी हो सकती है। तो आइए नज़र डालते हैं हैदराबाद की प्लेइंग 11 पर। डेविड वार्नर, जॉनी बेरिस्टो, मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, राशिद खान, संदीप शर्मा, टी नटराजन, सिद्धार्थ कौल या खलील अहमद। शुक्रिया साहिर। हैदराबाद की टीम 2016 में आईपीएल चैंपियनशिप जीती थी, उसके बाद से लगातार टीम ने प्लेऑफ में जगह बनाई है। ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है हैदराबाद के लिए। डेविड वार्नर टीम के कप्तान है। आज का सवाल ये है कि डेविड वार्नर से पहले टीम की कप्तानी किसके पास थी? जवाब है डैरेन सैमी, जो बाद में किंग्स इलेवन पंजाब चले गए थे और दोनों टीमों का ये मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है। आप देखते रहिए अड्डा 52 प्रेजेंट्स द क्रिकेट शो इन एसोसिएशन विद डेली मोशन ओनली ऑन गो न्यूज इंडिया।